ओर फ्रेंड्स सो वी स्टार्ट हाउ टू सेटअप सर्वर सर्वर कैसे सेटअप करना है इसके बारे में आज आपको बताया जा रहा है सर्वर सेटअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो काम होगा वो यही है कि आपका सीसीटीवी सिस्टम कंप्लीटली इंस्टॉल रहना चाहिए आप अच्छे से पूरे सीसीटीवी सी कैमरा से इंस्टॉल कर लीजिए उसके बाद सर्वर सेटअप के स्टेप पर आइए सर्वर सेटअप इज़ द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही चार कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं डी है तो आप एनालॉग कैमरे यूज़ करते हैं या फिर आई कैमरा आप यूज़ कर रहे तो वह एन होगा सो so, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डी है या एन वी आर सर्वर सर्वर सेटअप का कॉन्सेप्ट एकदम सेम होता है तो मैं ये कह रहा हूँ पूरा सीसीटीवी सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ये देखिए राउटर पर राउटर से केबल लगी हुई है ये ठीक है सो राइट कनेक्शन होने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो राइट आई एड्रेसिंग का होता है राइट आई एड्रेसिंग कैसे करानी है क्या है अब हम उस पर आते हैं राइट आईपी एड्रेसिंग कराने के लिए सिस्टम के नेटवर्क पेज में जाना है सबसे पहले आपको मेन्यू नेटवर्क अब यहां पर आकर आपको डीएससीपी कमांड पे क्लिक करना है डीएससीपी यानी होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्लिक द डीएससीपी ऑप्शन एंड क्लिक द सेव ऑप्शन अब ये सिलेक्शन होने के बाद आप एग्जिट करके वापस सेम नेटवर्क पेज के अंदर जाएंगे और डी से सिलेक्शन को रिमूव कर देना है सो शिफ्ट यूर डीएससी द टू ऑप्शन एंड क्लिक द सेम ऑप्शन ऐसा करने से आपका राउटर आपके सिस्टम को एक करेक्ट आईपी असाइन करता है जैसे कि नेटवर्किंग क्या है इस टाइटल वाले वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा नेटवर्किंग है उसके दो प्रिंसिपल्स हैं दो फाउंडेशन है नेटवर्किंग के सो so, पहला फाउंडेशन है राइट आई पी एड्रेसिंग यानी कि सिस्टम को सही आई पी दिलाना और दूसरा जो है वो राइट right कनेक्शन है तो कनेक्शन होने के बाद हम जो करते हैं उसको कहते हैं राइट आई पी एड्रेसिंग आई पी दिलाने के दो मेथड है राइट right आईपी दिलाने के दो मेथड है डीएससीपी -E के थ्रू आप आईपी दिला सकते हैं या मैनुअली आप आईपी दिला सकते हैं मैंने यहाँ पर डीएससीपी -E यूज़ किया है अब जैसे कि ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम सर्वर के लिए कंप्यूटर साइड चलते हैं कंप्यूटर पे कुछ सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने होंगे उन सॉफ्टवेयर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको बताया जा रहा है सबसे पहले आप आईपी फाइंडर इस सॉफ्टवेयर को रन करिए हर कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर होगा बट प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वेरीफाई होगा कि आपका सिस्टम वाकई में नेटवर्क में कनेक्टेड है या नहीं अगर कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे सर्च होकर आ जाएगा ये देखिए 192.168.0.5 इसने सिस्टम को ऑटोमेटिकली सर्च कर लिया है अब आपको के वी एम एस प्रो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको रन करना है क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये जो भी आपने पासवर्ड सेट कर रखा है अपने सॉफ्टवेयर का वो एंटर करके आप ओके okay करिए जिससे सॉफ्टवेयर ओपन होगा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है क्लिक द डिवाइसेस ऑप्शन यहाँ पर आपको सबसे पहले डिवाइस को ऐड करना है सो so, मैं डिवाइस एडिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हूँ अगर पहले का कोई आपका ऐड है रफ़ डिवाइस या फिर नॉट वर्किंग डिवाइस तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं नॉन वर्किंग डिवाइस को जैसे कि यहाँ पर हमारा एट प्रजेंट जो सिस्टम है वन है सो ये ऑटोमेटिकली सर्च हो आ चुका है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ सो so, मैंने डिवाइस को क्लिक किया और ऐड किया यहाँ पर ये ऑफलाइन शो कर रहा है रीज़न इन वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्लिक द एडिट ऑप्शन और जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड है सिस्टम का वो आप टाइप करिए क्लिक द गेट इन्फो ऑप्शन एंड क्लिक द सेव ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका ये सिस्टम ट्वेंटी सेकेंड के अंदर ऑनलाइन आना चाहिए दैट मीन्स योर सिसम सिस्टम इज़ सक्सेसफुली सेटअप्ड ऑन सॉफ़्टवेयर क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर आपका सिस्टम सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है अब आपको होम पेज पे क्लिक करके लाइव में आना है और एक फाइनल वेरीफाई करना है राइट क्लिक मेन स्ट्रीम ये देखिए आपके चारों कैमरे अच्छे से यहां पर वर्क कर रहे हैं दैट मीन्स योर सिस्टम इज कनेक्टेड प्रॉपरली विथ के वी एम एस प्रो सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर पर कनेक्ट हो चुका है अब मैं सर्वर के स्टेप पर आ रहा हूँ ये स्टेप करने के बाद ही आपको सर्वर के स्टेप पर आना है इस स्टेप में आप सिस्टम को सॉफ्टवेयर पर सेटअप करते हैं क्लिक द होम क्लिक द डिवाइस अब आपको एक नया डिवाइस ऐड करना है मैनुअल एडिंग प्रोसेस के थ्रू और इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं जैसे मैं सर्वर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर आई पी स्लैश डोमेन पर क्लिक करना है यानी आई पी एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अब ये आई पी क्या होगी आपके सिस्टम की आई पी होगी सिस्टम का मतलब हुआ लैपटॉप या कंप्यूटर जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप सर्वर बना रहे हैं वही आई पी आपको यहाँ पर टाइप करना है तो वो हमें कहाँ से मिलता है गो टू द सी एम डी ऑप्शन सी एम डी और यहाँ पर आपको एक कमांड चलाना है आई पी कॉन्फिग आई पी कॉन्फिग एंटर ये देखिए यहाँ पर जो आई पी शो कर रहा है वो आपके सिस्टम का आई पी है सिस्टम मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर का जिस पर आप सर्वर बना रहे हैं ये आई पी एड्रेस आपको एज़ इट इज़ टाइप करना है यहाँ पर 192.168.0.2 अब सर्वर को एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ मैं एडमिन एडमिन और पोर्ट है टू फाइव डबल ज़ीरो वन गेट इन फो एड यहां पर आपका सर्वर ऑनलाइन आ चुका है मतलब आपने सर्वर को भी अच्छे से सॉफ्टवेयर पर सेटअप कर लिया है इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको सर्वर पर कैमरास को एड करना होता है गो टू द सी एन वी आर ऑप्शन रिमोट डिवाइस पे क्लिक करना है प्लस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ प्लस पर क्लिक करना है आपके जितने भी डिवाइसेज हैं यहाँ पर शो करेंगे एट प्रजेंट हमने एक ही सिस्टम सिंगल सिस्टम यहाँ इंस्टॉल करके रखा है इसलिए सिर्फ़ एक ही डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है आपने अगर ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं अलग अलग लोकेशन के तो सारे अलग अलग डिवाइसेस की पूरी लिस्ट यहाँ पर आएगी जैसे 0.5 है उसके जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सेवन दैट मीन्स द योर ऑल सी सी टी वी सिस्टम इट मे बी डी वी आर और एन वी आर दैट ऑल विल बी अपेयरड हियर तो आपको बस उसको क्लिक करना है जैसे मैं 0.5 वाले इस सिस्टम को क्लिक कर रहा हूँ इसमें से मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इन चारों कैमरों को सर्वर पर ऐड करना है क्लिक द इम्पोर्ट ऑप्शन उसके बाद हमें जाना है डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन में यहाँ पर कंप्यूटर की या लैपटॉप की जिस पर भी आप सर्वर बना रहे हैं उसका ड्राइव शो कर रहा है सी डी ड्राइव उसमें से कोई भी एक ड्राइव आप सिलेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए स्पेस अलोकेशन के लिए सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट हियर सी ड्राइव हियर अवेलेबल 158.78 जीबी सो आई एम अलॉटिंग 10 जीबी फॉर स्टोरेज सर्वर क्लिक द अलॉट ऑप्शन 10 जीबी यहां पे अलॉट कर रहा हूं सर्वर के लिए यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ था कि हार्ड डिस्क फुल होने पर क्या होना चाहिए ओवर या स्टॉप तो बाई डिफ़ॉल्ट जो क्लिक होता है ओवर पर ही होता है अगर आप स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो वापस न्यू रिकॉर्डिंग नहीं होगी जब टेन जी बी फुल हो जाएगा तब सो so, आपको ये ऑप्शन को ओवरइट पर ही सिलेक्ट करना है स्टॉप पर नहीं सिलेक्ट करना है ठीक है यहाँ पर टेन जी बी अलाट हो चुका है इसकी कन्फर्मेशन आ चुकी है अब रिकॉर्ड प्लान हमें पूरा ओपन रखना है जैसे कि यहाँ पर ओपन रखा हुआ है फर्स्ट कैमरा सेकेंड कैमरा और थर्ड कैमरा के लिए सभी के लिए हमने रिकॉर्ड कंट्रोल जो है वो ओपन रखा हुआ है दैट मींस ट्वेंटी फोर आवर का शेड्यूल रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है इसमें आप चाहे तो मोशन डिटेक्ट रिकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं या फिर मिक्स कर सकते हैं मोशन और शेड्यूल सो so, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को ओपन रख रहा हूँ ट्वेंटी फोर आवर शेड्यूल के लिए फॉर ऑल चैनल्स नाउ क्लिक द होम पेज क्लिक द लाइव व्यू अब मैं कन्फर्म कर लेता हूँ कि हमारे सर्वर में हमारे जो कैमराज है वो एड हुए या नहीं हुए सो आई एम गोइंग टू क्लिक हीयर फर्स्ट चैनल सेकेंड चैनल थर्ड चैनल एंड फोर्थ चैनल जितने भी चैनल्स मैंने सर्वर में ऐड करवाए थे उनको मैंने बारी बारी से क्लिक किया तो हमें पता चला कि हमारे सारे ही जो कैमराज हैं वो सर्वर पर ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो प्रैक्टिकल स्टेप होगा यानी कि मैं कुछ कैमराज के सामने एक्टिविटी करूँगा मूवमेंट करूँगा और उसके बाद हम ये सिस्टम को ऑफ़ कर देंगे ये वन नाइन्टी वाला जो सिस्टम है ये हम ऑफ़ कर देंगे तो आपको एक्जैक्टली exactly सर्वर वाले प्रैक्टिकल वीडियो में ये समझ आएगा कि इन केस हमारा डी सिस्टम या एन सिस्टम लॉस्ट हो जाता है तो डेटा सर्वर से भी हम रिट्राइव कर सकते हैं एक्चुअली ये मिरर हो रहा है जो भी डाटा हमारे डी सिस्टम पे स्टोर हो रहा है सेम टू सेम वही डेटा हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी स्टोर हो रहा है अब देखिए ज़ीरो ये हमारा ओरिजिनल मशीन है जो कि इस वक्त ऑनलाइन है ये देखिए जैसे ही मैं पावर ऑफ करूंगा, ये ऑफलाइन हो जाएगा मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी भी टेस्ट करके दिखा रहा हूं। गो टू द सीएमडी ऑप्शन और यहां पर पी आई एन जी स्पेस वन नाइन्टी ये देखिए कंटिन्यूटी कमांड के थ्रू भी हमने देखा इसने फोर टाइम हमें रिप्लाई दिया अगर इसका पावर ऑफ हो जाता है तो ये रिप्लाई आना बंद हो जाएगा तो अभी हम यही करेंगे इस सिस्टम का पावर ऑफ कर देंगे इससे पहले मैं आपको कैमरा के सामने एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए ये देखिए और पावर ऑफ करने के बाद में हम ये कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कि रिप्लाई आना बंद हो रहा है कि नहीं देखिए अब मैं सिस्टम CMD रिप्लाई आ रहा है अभी भी ठीक है मैं जैसे ही पावर ऑफ करूंगा ये रिप्लाई आना बंद हो जाएगा तब आप समझ सकते हैं कि मैंने इसका पावर ऑफ कर दिया है ठीक है और ये जो मूवमेंट हो रही है देखिए मैं यहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ ठीक है ये भी स्टक हो जाएगा इमिडेटली रुक जाएगा सो so, मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ पावर ऑफ़ करते ही ये रिप्लाई आना बंद हो जाएगा और मैं जो हाथ हिला रहा हूँ वो स्टक हो जाएगा मैं आपको ये सारा डाटा एक दूसरे सर्वर पे जो स्टोर हुआ है वहाँ से रिड्राइव करके दिखाऊंगा इस प्रैक्टिकल का यही गोल है सो so, मैंने यहाँ पर पावर ऑफ़ कर रहा हूँ मैं कैमरा भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपके सामने इसको मैं ऑन कर ऑफ कर पाऊँ सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑन हीयर कैमरा ये देखिए ये सिस्टम है ये सिस्टम है इसकी मैं पावर ये देखिए मैं यहाँ से पावर ऑफ करूँगा ठीक है जैसे ही पावर ऑफ करूँगा इसकी लाइट भी बंद हो जाएगी ठीक है ये देखिए मैं इसकी ये जो पावर की जो पिन है उसी को मैं निकाल दे रहा हूँ ठीक है ये देखिए ये मैंने इसकी पावर की पिन निकाल दी ठीक है ये देखिए जिस अडेप्टर से इसको पावर दिया गया था वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से ठीक है ये देखिए ये अडेप्टर है सो इसका ये अडेप्टर मैं निकाल देता हूँ दैट मीन्स जो हमारा सिस्टम है वो कम्प्लीटली ऑफ हो चुका है ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे बंद हो गया है ऑफ हो गया है अब हम सर्वर से डेटा को रिट्राइव करते हैं तो ये हमने कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट की कि हमारा सिस्टम लॉस्ट हो गया है या फिर चोरी हो गया है या आग लग गई है जो भी आपको समझना है समझ समझ सकते हैं यहाँ पर हमारा सिस्टम कम्प्लीटली ऑफ हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिप्लाई आना भी बंद हो चुका है पूरी तरह से रिप्लाई आना यहाँ पर बंद हो चुका है तो रिप्लाई नहीं आ रहा है इस बात का ये सबूत है कि सिस्टम हमारा पूरी तरह से ऑफ़लाइन हो चुका है ये देखिए रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और यहाँ पर बैक साइड में डिवाइस ऑफलाइन शो कर रहा है ठीक है और ये सारे कैमरा पर रेड क्लोजिंग मार्क लग चुकी है मतलब ये सिस्टम हमारा ऑफलाइन जा चुका है बंद हो गया है सिस्टम पूरी तरह से अब मैं आपको डेटा को रिड्राइव करके दिखा रहा हूँ क्लिक द प्लेबैक ऑप्शन प्लेबैक ऑप्शन पे क्लिक करना है डेटा तो हमारा ऑलरेडी स्टोर हो चुका है सर्वर में देखिए सर्वर ऑफलाइन नहीं गया है ये वन टू थ्री फोर ऑल चैनल्स को मैंने सिलेक्ट किया डेट मैंने चेंज नहीं की है आप करना चाहें तो कर सकते हैं और भी कोई डेट जैसे आपने सर्वर बना रहे हो और उसको कंटिन्यूटी चालू रख कंटिन्यू ऑन रख रहे हो तो वो बताएगा कि कौन से डेट कि आपको फुटेज फाइंड आउट करनी है यू मीन आई मीन टू से यहाँ से आपको चेक कर लेना है सो so, यहाँ पे मैं डेट या टाइम को नहीं चेंज कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ ये देखिए हमारे सारे ही चैनल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं तो यहाँ पर ये यह सर्वर बनाना हमारा सक्सेस हो चुका है सो so, इस सर्वर बनाने से हमारा जो बेनिफिट हुआ वो ये था कि हमारा डी सिस्टम जो कि सी सिस्टम है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका है उसके बावजूद हम एक रिमोट लोकेशन से डेटा को रिट्राइव कर पा रहे हैं तो ये हमारा इसमें मेजर बेनिफिट हुआ ये देखिए मैं सारा डेटा आपको प्ले करके दिखाऊंगा ये देखिए ये देखिए ये देखिए देख पा रहे हैं आप तो आपने देखा सर्वर बनाने का क्या बेनिफिट है जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि दो तरह के सर्वर होते हैं लैन सर्वर और वैन सर्वर लैन सर्वर आपको मैंने यहां प्रैक्टिकली बनाकर दिखाया है लैन सर्वर जो होता है सेम वर्क ग्रुप में बनाते हैं आप और वैन सर्वर जो होता है उसके लिए कोई एक रिमोट लोकेशन आप सेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मुंबई में सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ है तो आप गोवा पूना बिहार पटना कहीं पर भी एक सर्वर बना सकते हैं एक या एक से ज़्यादा भी सर्वर बनाए जा सकते हैं तो जो रिमोट लोकेशन पर सर्वर बनते हैं डिस्टेंस पर इंटरनेट के थ्रू सारी आपस में कनेक्टिविटी होगी उसको वैन सर्वर कहते हैं और जो सर्वर हमारा सेम वर्क ग्रुप में बनता है उसको लैन सर्वर कहते हैं दोनों ही सर्वर है दोस्तों जीएलएम इंस्टीट्यूट द्वारा सारे ही कोर्सेज प्रैक्टिकली सिखाए जाते हैं इंस्टीट्यूट आप गूगल पर सर्च करिए गूगल में जाकर सिर्फ आपको जीएलएम इंस्टीट्यूट टाइप करना है आपको इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल मिल जाएगी इंस्टीट्यूट की ओर से प्रोवाइड किए जाने वाले कोर्सेज सीसीटीवी फायर अलार्म सिस्टम बिल्डिंग इंटरकॉम बायोमेट्रिक्स वीडियो डोरफोन एंटी रॉबरी अलार्म सिस्टम सोलर पावर सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्सेज़ ये सारे ही कोर्सेज़ हमारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली सिखाए जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट मुंबई में है यदि आप इंस्टीट्यूट में आकर प्रैक्टिकली कोर्स नहीं करना चाहते तो आप घर बैठे ये सारे ही कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं To get latest premium videos, regular update, please subscribe our channel and don't forget to like and share.